नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज नाउ, मैं हूँ रूहानी। बेटियों ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया और बेटियों ने एक बार फिर से दिखाया कि वो किसी से पीछे नहीं है और पूरी तरह से ये दिखाने में बेटियां सक्षम रही हैं। चाहे कोरोना काल हो या कोई भी विघ्न आ जाए, हम अपनी पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तरह से अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ एक बेटी है और अलीशा इनका नाम है। 98.2% मार्क्स इन्होंने अटेंड किए हैं 12th जेके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में और गवर्नमेंट स्कूल रिहाड़ी की ये छात्रा। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कोरोना काल ने कितनी रुकावट यहाँ पर लाई इनकी शिक्षा के लिहाज से, लेकिन अभी भी आगे बढ़ रही है और आगे कितने सपने संजो कर रखे हैं अलीशा ने। अलीशा, सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये जो टाइम था आपके लिए, ये पूरा टाइम कैसे निकला, आपकी एक जर्नी कैसी? क्लास ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन या इन टर्म्स ऑफ करियर। क्लास ट्वेल्थ जैसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास ट्वेल्थ के बाद ही जैसे आपको कॉलेज अच्छे कॉलेज में जी एडमिशन मिलती है। आपको यू शुड स्कोर गुड मार्क्स अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जैसे कोरोना कहते हैं, कोरोना था तो काफ़ी मुश्किल रहा। जैसे हमें नहीं आदत थी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की या हम स्कूल जाके, मतलब टीचर से फेस टू फेस जैसे कोई डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लिया, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं दैट यू शुड गो ऑन, आपको करना पड़ेगा। तो क्लास ट्वेल्थ थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन से लगे आपको कॉमर्स स्ट्रीम में, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं? ज़्यादातर हम बच्चों से बात करते हैं वो कहते हैं अकाउंट से डर लगता है, आपको किससे लगता था? नहीं, मुझे अकाउंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, अकाउंट्स अच्छे से हो जाता था। इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी जी। तो अभी कंट्री की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है, कुछ सोचा उसके बारे में? हो जाएगा धीरे धीरे सर। भी डर लग रहा है? उससे भी डर लग रहा है, उससे भी डर जी। लग रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऑनलाइन स्टडीज़ का आपने जिक्र किया, तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में थी, आपने कहा वो होमली एटमॉस्फेयर था स्कूल में कि आप अपने फ्रेंड से मिलती थी, टीचर से मिलती थी, आमने सामने बात होती थी और डाउट्स क्लियर होते थे। लेकिन ऑनलाइन स्टडी कितनी डिफरेंट थी इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन? ऑनलाइन स्टडीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट जैसे होती हैं, मतलब आप जैसे इतने स्टूडेंट्स एक साथ, मतलब आप पूछ भी नहीं सकते टीचर से कि कोई डाउट है मैम, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इतने बच्चे होते हैं, मतलब नेटवर्क इशू भी, आपको जैसे 2G चल रहा बहुत था, 4G अभी रिसेंटली चला है, तो जब 4G चला उस टाइम हमारे एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो इतना 2G के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, कई बार हमें ऑनलाइन क्लासेस रोकनी पड़ती थी नेटवर्क इशूज़ की वजह से। तो फिर भी काफ़ी टीचर्स, मतलब देवर लाइक कि आप हमें कॉल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था हमारे स्कूल का। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? मम्मी पापा किस तरह से आपको सुबह जगाते थे पढ़ने के लिए? क्योंकि जब तक कोई बच्चा सुबह जाग ना ले वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, ये तो बिल्कुल सिद्ध हुआ जी। पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, पहले भी आज भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मम्मा मुझे सुबह मॉर्निंग 6 o'clock उठा देते थे, मेरी ट्यूशन्स होती थी 5 o'clock में, पहले ट्यूशन्स जाती थी, फिर जैसे 1 month रह गया पेपर्स को रिवाइज करने जी के लिए जाते थे। तो फिर ट्यूशन जाना कम कर दिया, घर पे ही खुद रिवीजन चलती थी। तो अभी जो ट्यूशन टीचर हैं उनका कितना यहाँ पर एक रोल रहता है एक बच्चे को, एक चिल्ड्रन को, या फिर मैं कहूँ एक पूरी तरह स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए? मेरे ट्यूशन टीचर काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरह पढ़ाते हैं वो, मतलब शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाया। काफ़ी पेन लिया सुबह, वो मॉर्निंग बुलाते थे, मतलब देवर लाइक कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप बैठे रहो, आप नहीं जाओगे कहीं पे, मतलब आपको जब तक नहीं समझ में आता आप बताओ, अगर आपको एक बार ही नहीं आएगा आप 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, मैं यहीं पे हूँ। तो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आप कितने सिबलिंग्स हैं आपके, आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और आपके कितने भाई बहन हैं? जैसे कि मेरी एक जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा के 3 भाई हैं
एंड एक जो है वो मतलब लाडली हो आप अपने परिवार जी 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 काफ़ी काफ़ी आगे सपने क्या हैं अलीशा, क्योंकि बहुत से सपने हम देखते हैं ट्वेल्थ क्लास या फिर हम कहीं टेंथ क्लास के बाद से ही हमें हमारे पेरेंट्स समझाना शुरू कर देते हैं लापरवाही मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर है, यहीं आपको स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, कंसंट्रेशन जो है पूरी रखनी है। तो अब आगे सपने क्या संजोए हैं, कौन से सेक्टर में जाना चाहती हूँ? अभी पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, देन आफ्टर MBA, उसके बीच में ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी। जो बच्चे आपको देख रहे हैं और जो अभी ट्वेल्थ क्लास में आए हैं उनको क्या सक्सेस मंत्र देना चाहती हैं? सक्सेस मंत्र ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट देयर आर सम पेरेंट्स ना हु यूज्ड टू से कि हमारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी की वजह से कंसंट्रेशन उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेंटल ग्रोथ बहुत ख़त्म हो गई है, तो पेरेंट्स को क्या समझाना चाहोगे कि ये कर लीजिए बच्चा आगे बढ़ जाएगा? अभी तो जैसे कोरोना कह रहे हैं थर्ड वेव भी आएगी, ऐसे अब ऑनलाइन ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा, तो अब आपको मतलब ऑनलाइन ही प्रिपेयर करना पड़ेगा सब कुछ, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऐसा किस तरह से रूटीन किस तरह से बनानी चाहिए? आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी कि मतलब ये नहीं कि आप एक बार ही कर रहे हो और आप स्किप कर रहे हो उसके बाद कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको करनी पड़ेगी अटेंड ऑनलाइन क्लासेस डेली, तभी आप फोकस कर पाओगे। ऐसे साफ तौर पर यू शुड बी फोकस और कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स योर स्टडी, लेकिन साथ ही साथ अलीशा ने बहुत सपने संजोए हैं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। यही सपने हम चाहते हैं कि साकार हो जाए, अच्छे से ग्रेजुएशन हो जाए, MBA हो जाए, या फिर जो भी चाहती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, KS के एग्ज़ाम है, IAS के एग्ज़ाम है, कोई अच्छे ऑफिसर के तौर पर अलीशा हमें इन फ्यूचर मिले और हम ज़रूर इनसे मिलने आएंगे, इनसे बात करेंगे, तब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? ज़रूर, पक्का, बिल्कुल। फोन उठाना तो नहीं बंद कर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट वेलकम। चलो साफ तौर पर अपॉइंटमेंट दे देंगे, अच्छी बात है। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, उन सबको मुबारकबाद है हमारी तरफ से, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल दौर में अपनी शिक्षा ग्रहण की है जिसको ऑनलाइन स्टडीज़ कहते हैं। कहाँ आप स्कूल में जाते थे और अपने दोस्तों से मिलते थे, टीचर्स को कंसल्ट करते थे, डाउट्स क्लियर करते थे, वहीं एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना या फिर मैं कहूँ एक मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर पूरी स्टडी करना और उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स लेना, सच में काबिल-ए-तारीफ़। आप यूँ ही बने हमारे साथ, देखते रहते न्यूज़ जो मुस्कुराने के लिए।